Good morning, students. We are going to read and study the chapter titled as House I Built. And this chapter is written by author R.K. Narayan. Students, before getting in the detail of the chapter or story, we'll first get introduced with the author of this chapter or the story, who is R.K. Narayan. So R.K. Narayan is the author of this story and the chapter. In the introduction part, we will briefly read about him, his birth, and his main literature work done in English, and what were his main contribution. So we begin with the reading of the introduction about author R.K. Narayan. Born on 19 October 1906 in Madras, Chennai in Tamil Nadu, R.K. Narayan was one of the earliest Indian writers who made India accessible to the outside world through his literature by writing in English. R.K. Narayan का जन्म 19 अक्टूबर 1906 में हुआ था मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में। R.K. Narayan साहित्य लिखने वाले पहले भारतीयों में से एक थे, जिनकी लिखावट, जिनका कार्य था, जिनके साहित्य के कारण भारत को दूसरे देशों में प्रवेश मिला, वो इतना सुलभ और सुगम था कि दूसरे देशों को में भारत के साहित्य की पहचान मिली इनके साहित्य के द्वारा, जो वो अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। द साहित्य अकादमी अवार्ड विनर विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर क्रिएटिंग मालगुड़ी। आरके नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था और वो हमेशा याद किए जाएंगे मालगुड़ी को बनाने के लिए, द फिक्शनल सेमी अर्बन टाउन इन साउथ इंडिया, जो कि एक नाटकीय मन घड़न छोटा सा शहर, न पूर्ण रूप से गांव, न पूर्ण रूप से शहर, ऐसा स्थान बनाने के लिए दक्षिण भारत में उन्हें याद किया जाता रहेगा। That was introduced in his novel Swami and Friends, जिसका उन्होंने लोगों को परिचय उनकी किताब स्वामी और फ्रेंड्स में दिया। The first of the semi-autobiographical trilogy consisting of the Bachelor of Arts and the English Literature, जो उनकी पहली आधी आत्मकथा थी, टिकड़ी थी, वो सीमित थी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश लिटरेचर। द रेपर्टरी ऑफ हिज वर्क इंक्लूड क्लासिक लाइक द डार्क रूम, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, मिस्टर संपत, मालगुड़ी डेज एक्सेट्रा। जो उनके कार्य या उनके साहित्य कार्य का खजाना है, उसमें जो आदर्श किताबें उन्होंने लिखी उनमें से कुछ हैं, जैसे द डार्क रूम, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, मिस्टर संपत, मालगुड़ी डेज आदि। ये किताबें उन्होंने लिखी जो प्रसिद्ध हुई और लोगों के बीच में पढ़ी गई। He is also known for the simplicity of his language and the use of humor to highlight the social sphere and the everyday life of his character. R.K. Narayan अपनी भाषा में सरलता और व्यंग को प्रस्तुत करने के लिए, जो सामाजिक क्षेत्र में दर्शाया जाता है या घटित होता है या रोजमर्रा की जिंदगियों में घटित होता था, उन चरित्रों के बारे में उन्होंने अपनी किताबों में कहानियों के जरिए लिखा। As can be seen in the current extract taken from the story by the same name from the book The Storyteller's World,
और ये हम अभी आगे जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हम ये देखेंगे कि कैसे वो रोजमर्रा की जिंदगी के चरित्रों को अपने कहानियों के जरिए दर्शाते थे। ये कहानी आर के नारायण द्वारा लिखी गई किताब द स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड से ली गई है। इन 1992 नारायण पब्लिश्ड हिज फाइनल वर्क द ग्रैंडमदर्स टेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंडमदर। ही डाइड ऑन 30 मई 2001 इन चेन्नई एट द एज ऑफ 94। 1992 में आर के नारायण जी ने अपना आखिरी कार्य प्रकाशित किया, जो उनकी आखिरी किताब थी वो प्रकाशित की। उसका शीर्षक, किताब का शीर्षक था द ग्रैंडमदर्स टेल, जो कि उनकी ही दादी, महान दादी के जीवन पर आधारित थी। He died on 30 May 2001 in Chennai at the age of 94। आर के नारायण जी की मृत्यु 30 मई 2001 में चेन्नई में हुई। उनकी एज 94 साल की थी। द डिफिकल्ट वर्ड्स, फर्स्ट इज एसेसिबल, जिसका अर्थ होता है सुलभ या सुगम या प्रवेश दिलाना। सेकेंड इज लिटरेचर अर्थात साहित्य। थर्ड इज फिक्शनल अर्थात मनगढ़ंत या काल्पनिक। सेमी ऑटोग्राफिकल आधी आत्मकथा। ट्रिलॉजी का अर्थ तिकड़ी। रेपिट्री का अर्थ होता है खजाना। सिंप्लिसिटी अर्थात साधारण या भोलापन या सादगी। ह्यूमर का अर्थ परिहास। हाईलाइट का अर्थ दर्शाना। कैरेक्टर का अर्थ चरित्र। एक्सट्रैक्ट का अर्थ निचोड़ या फिर पद या निष्कर्ष जो होता है। सोशल स्फीयर का अर्थ सामाजिक चक्र या दौर।